एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। गणेश चतुर्थी पास में आ रही है, हम बनाने जा रहे हैं मोदक। ये देखिए, हमने सबसे पहले ये जो मावा है ना, ये मैंने लिया है 250 ग्राम। इसको मैं भून लूंगी, पैन को थोड़ा गर्म होने रख दिया है। इसको हम ऐसे ना लगातार चलाते हुए भून लेंगे। मावा देखिए बिल्कुल फ्रेश है, और इसको ना हम 7 to 8 मिनट अच्छे से इसे रोस्ट करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, भूनते हुए हमें 1 से 2 मिनट हो गई हैं और अभी हमें और भूनना है। तो ये कुछ इस तरह का हो जाता है। नॉन स्टिक पैन में भूनेंगे तो ये लगेगा नहीं नीचे। मेरा ये ग्रेनाइट कोटिंग का है, तो आप अगर ये पैन इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सा पहले लिक्विडी हो जाता है, फिर धीरे धीरे हल्का कलर चेंज होगा और इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। और ये देखिए, मावा जो है ये अच्छे से भुन गया, इकट्ठा होना शुरू हो गया है। गैस को बिल्कुल धीमा करके ही हमने ये भुना है अच्छे से। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, कुछ मावे में ना घी ज्यादा होता है, जैसे किसी किसी दूध में, मावे में, तो वो घी छोड़ देता है। लेकिन ये कुछ इस तरह का है, तो डिपेंड करता है, अलग अलग मावा होता है। आप चख के भी देख सकते हैं, है ना, कि कितना टेस्ट आ जाता है, फर्क आ जाता है भुनने के बाद। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए, मावा हमने इस तरह से प्लेट में फैला दिया है और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये भुन गया है। अब हमने लिया है यहाँ पर ये 1/2 कप आटा, जो रेगुलर हम चपाती बनाने के लिए यूज करते हैं। थोड़ा सा कम मैदा, 3/4 कप आप समझ सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हमने लिया है कॉर्नफ्लावर। 1-2 पिंच हमने लिया है नमक, है ना। तो पहले ये चारों चीजें इसमें हम डाल लेंगे। एक बर्तन में इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अब हमने ये लिया है 3 टेबलस्पून घी, ये मोइन के लिए ना, ताकि खस्ता बने अच्छे से। ठीक है, अब हम इसको दोनों हाथों से ऐसे मसल मसल के मिक्स करेंगे। ये फ्राइड मोमो बनाने जा रही हूं मैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ट्रेडिशनल हैं, तो मैंने कहा आपको इस बार ये सिखाती हूं मैं बनाना। ये देखिए, इस तरह से हम पूरा इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको, और ये देखिए कुछ इस तरह से ये मुट्ठी बनना शुरू हो गई है इसकी। तो यानी ये परफेक्ट है हमारा घी का मोयन। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे पानी, बहुत थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमें टाइट डो लगाना है इसका। तो डो लगाकर आपसे मिलते हैं। और ये देखिए, आटा जो है वो लग गया है। अब हम इसको ढककर रख देंगे। आपको मैं पास से दिखाऊं, अच्छा सा सॉफ्ट आटा लग गया है। सॉफ्ट मतलब टाइट, लेकिन ऐसे अच्छा चिकना। तो अब हम इसको ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक आटा रेस्ट के लिए है, हम ये जो सूखा नारियल है ना, 1/2 कप, इसको भूनेंगे फिलिंग के लिए। जो स्टफिंग हमको बनानी है ना, तो ये हम जो पक्का गोला आता है ना, जिसको गोला सूखा नारियल आप बोलते हैं, उसको आप फाइन ग्रेट कर लेंगे। ठीक है, और इसको हल्का हल्का भूनेंगे ऐसे ही। ऐसे जैसे मोटा मोटा पीस है वो आप अलग कर दें, अदरवाइज ये ऐसे फाइन पीस है ना, इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का हल्का भूनेंगे। देखो, ये गोले का हल्का सा ऑयल छूट जाता है ना, ऐसे निकलने लगेगा। इसी के साथ डालेंगे हम ये कटे हुए बादाम 2 टेबलस्पून, और 1/2 टेबलस्पून काजू। इनको इसके साथ ही हम रोस्ट करेंगे। देखिए, हल्का हल्का ये चिकना होता है, तो इसी में रोस्ट हो जाएगा अच्छे से। 1 मिनट के लिए रोस्ट करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है और ये भुन भी गया है अच्छे से। अब हम डालेंगे इसमें पिसी हुई चीनी,
जो मैं पहले 1/4 कप डाल रही हूँ, उसके बाद हम इसको ना टेस्ट करके देख सकते हैं, नहीं तो 1/4 कप इनफ है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, साथ ही डाल देंगे इसमें ये 2 टेबलस्पून भुना हुआ मावा। अमूल क्रीम 1.5 टेबल स्पून और इन सबको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। जो भी गुठलियां हैं उनको अच्छे से आप ऐसे मिक्स कर दें। देखिए कलर चेंज होना शुरू हो गया है, खुशबू आनी शुरू हो गई है। गैस को बिल्कुल धीमा कर दें। और मावा ना इसमें बाइंडिंग के लिए डाला जाता है कि अच्छे से बाइंड हो जाए। तो हमारी ये स्टफिंग जो है बनकर तैयार है, अच्छे से खुशबू इसमें आ गई है। तो इसमें ना हमने 1/2 कप चीनी डाल दी थी, क्योंकि ऊपर का कवर जो है ना वो होता है फीका होता है, तो इसमें थोड़ी सी पिसी चीनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब हम इसको ना ऐसे छोटी छोटी जितना हमको उसमें भरना है उतना ऐसे गोली बना लेंगे, और अगर बाइंड नहीं हो रहा है तो आप उसमें इस तरह की गोली बना के हम रख लेंगे और एक एक भरते जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी बाइंड नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा मावा भुना हुआ और डाल सकते हैं। फिलिंग बनने के बाद अब हम आटा चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा बहुत बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें से ना हम छोटी छोटी, जैसे छोटी पूरी बनानी है तो छोटी छोटी ना, बहुत छोटी छोटी ऐसे लोइयां बना लेंगे। हल्का सा ऑयल लगा के इसको ऐसे बेल लेंगे। थोड़ा पतला ही इसको रखेंगे ऐसे। जैसे छोटी पूरी बनाते हैं ना कुछ इस तरह की, बाकी जैसा आप साइज बनाना चाहें। ठीक है, अब हम इसके अंदर रखेंगे जो हमने स्टफिंग की ये गोला बनाया हुआ है, इसको रखेंगे। दिख रहा है ना आपको? हाँ, अब हम इसको हाथ में ऐसे उठाएंगे और ये देखिए इस टाइप से ना पिंच करेंगे, सॉरी ऐसे, और ऐसे ऐसे लगा देंगे। ठीक है, ऐसे पिंच करेंगे और इस तरफ ऐसे लगा देंगे, प्रेस कर देंगे। देखिए इस टाइप से बनना है, ऐसे फिर ऐसे, जैसे चुन्नट नहीं डालते हैं, प्लेट्स डालते हैं, उस टाइप से हम ऐसे बाहर की तरफ पिंच करेंगे और ऐसे कर देंगे। बाहर की तरफ से ऐसे पिंच करेंगे और दबा देंगे। सेम ऐसे चारों तरफ से करते जाएंगे। मैं आपको धीरे से करके बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, है ना। और ये फिर ऐसे करके इसको बंद कर देंगे, सील पैक कर देंगे। तो ये देखिए है ना डिज़ाइन अच्छा। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये इस तरह रखेंगे, बाहर की तरफ ना ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे दबा देंगे। बाहर से ऐसे फोल्ड करेंगे और दबा देंगे। बाहर जैसे ऐसे फोल्ड करेंगे, पिंच करेंगे और ऐसे दबा देंगे। तो इस तरह से ना ये प्लेट्स बन जाती हैं। तो अपने आप में ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। ऐसे पिंच किया और ये प्लेट ऐसे लगा दी, फिर ऐसे पिंच किया, इस प्लेट को ऐसे सेट कर दिया। देख रहे हैं ना, और इनको सबको इकट्ठा ऊपर ऐसे मिला के और ऐसे बंद कर देंगे, सील पैक कर देंगे सबको। अगर ऊपर एक्स्ट्रा आटा बचता है तो उसको आप निकाल देंगे, अदरवाइज आप ऐसे
देखिए, तो इस तरह से हम सारे बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और ये देखिए, हमने इस तरह से ये मोदक को बना लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे, तेल को हल्का गर्म होने हमने रख दिया था। हल्का गर्म होने के बाद हम इसको डाल देंगे। और ज़्यादा इनको हिलाना नहीं है। ये देखिए, हम उलटते पलटते हुए इनको ब्राउन होने तक सेक लेंगे और सेकने के बाद आपसे मिलते हैं। और ये देखिए, गणेश चतुर्थी पर बनने वाले ये मोदक हमारे बनकर तैयार हैं। फ्राइड मोदक कैसे बनाए जाएं उसकी रेसिपी मैंने आपको दी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। मैं जितने भी आप इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच।